हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। विधायक नयन पाल रावत ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। खरगोदा के जागृति स्थल में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। प्रिथला से विधायक नयन पाल रावत ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए खरगोदा वासियों को 75वीं गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व वीर शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें जो की जाती रही हैं, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। इस मौके पर जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया, एसडीएम डॉक्टर अनमोल, एसीपी जीत सिंह बेनीवाल, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, भाजपा नेता गुलशन ठेकेदार, ईश्वर सिसाना, समाजसेवी डॉक्टर अनिल दहिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। युद्ध वीरांगनाओं और शहीदों के आश्रितों को किया सम्मानित। मुख्य अतिथि विधायक नयन पाल रावत ने समारोह के दौरान युद्ध वीरांगनाओं और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया, जिनमें गांव छिनौली से राजवीर, गांव खांडा से कुंदन लाल के परिवार के लोगों, गांव खांडा से चांदकोर, गांव सिसाना से नाहंटी देवी, गांव रोहना से हरदेई व सरोज, गांव थाना खुद से सुखदेई, गांव गोरड़ से हरदेई राजेंद्र कुमार, गांव रोहना से रामनिवास व ओम प्रकाश, गांव थाना खुद से सुंदरलाल तथा गांव रिढ़ाव से भतेरी देवी, गांव थाना से गीता, गांव रोहना से सुशीला व मीना, गांव पिपली से फूलवती, गांव मटिंडू से अशोक दहिया, गांव थाना कला से संतोष व सुरेश बाला तथा गांव मंडोरा से कप्तान शामिल थे। ये अधिकारी हुए सम्मानित, जिसमें नायब तहसीलदार अशोक कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता, कृषि विभाग से सुपरवाइजर अमित, स्वास्थ्य विभाग से राजेश व सफाई कर्मचारी स्वरूप, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से हेल्पर आबिद व अंकित, पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर से जेई बलजीत, सेवादार सज्जन कुमार, अजय व नरेश कुमार, तहसीलदार कार्यालय से कंप्यूटर ऑपरेटर रवि, सेवादार विशाल व एडब्ल्यूबीएन अशोक कुमार, शिक्षा विभाग खरगोदा से जेबीटी अध्यापक शैलेंद्र सिंह, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्रिंसिपल निर्मल, पीटीआई सविता राठी व महावीर सरोहा, पुलिस सीआईडी से एएसआई जितेंद्र व संजय, हेड कांस्टेबल सुनील, पुलिस थाना खरगोदा से एसएचओ सुनील कुमार, एएसआई रेखा, एएसआई वीरपाल व पीएसआई सौरभ तथा एएसआई मनीष, खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय खरगोदा से बीडीपीओ दीपिका शर्मा, लिपिक अंकुर, वन विभाग से फॉरेस्ट गार्ड नरेंद्र, एसडीएम कार्यालय से एमटीएस प्रवीण कुमारी, सेवादार सोनू, एसडीएम के गनमैन रविंद्र, एसडीएम ड्राइवर विजय कुमार तथा लिपिक सत्यम, नगर पालिका खरगोदा से सचिव संदीप कुमार, एएम मई मंजीत राठी व कंप्यूटर ऑपरेटर संजीत कुमार शामिल रहे। खरगोदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरगोदा व आईएमटी में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93555-50009 पर संपर्क करें। प्रताप स्कूल खरगोदा, देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरगोदा में दाखिला कराएं। यहां छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, आईएएस, एचसीएस, लेफ्टिनेंट डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।